नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब आपके जीवन काल में खुशियों का पल आने वाले हैं। जय दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपके जलने वाले आपके घातक शत्रु, यो कहें तो जीवन के सबसे बड़े दुश्मन, खून के आंसू रोने वाले हैं। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले समय में, आने वाले 7 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल पर भगवान शनिदेव का बहुत ही प्यारा संकेत मिल रहा है कि आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन काल में भगवान शनिदेव का वह जादू चलेगा जिनसे दोस्तों आप सभी का जीवन पूरी तरह बदल देगा। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हाल ही में भगवान शनि का जो राशि है वह परिवर्तन हो चुके हैं, जो कि आपके राशि के लिए, आपके कुंडली के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जा रहा है। और आने वाले 7 दिनों के अंदर जो ग्रहों का प्रभाव होगा आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होने वाली है। जी दोस्तों, अगले 7 दिनों के अंदर भगवान शनिदेव की बहुत ही असीम कृपा आप सभी के कुंडली पर देखने को मिलेगा, जिनसे दोस्तों आप सभी के जीवन काल पर धन से जुड़ी समस्याएं खत्म होंगी। पारिवारिक जीवन में जो भी नोक झोंक चल रहे हैं दोस्तों, वह सभी समाप्त होंगे। समाज में या फिर कहीं पर जो आपका नुकसान हुआ है, इज्जत पर, प्रतिष्ठा में, यश में बढ़ोतरी होने वाली है। हम आप सभी को बता दें कि आने वाली 7 दिनों के अंदर जीवन के आपके सबसे बड़े, जिन्हें आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे, वैसे सपने भी सोचोगे। परंतु दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको दुश्मनों से सावधान रहना होगा। और दोस्तों, आपको 3 बातों को लेकर बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। जी दोस्तों, आप शिव को बता दें कि आने वाले 7 दिनों के अंदर अगर आप इन 3 बातों को ध्यान में रख लेंगे तो दोस्तों, जो बातें हम बताए हैं 100% सटीक आप शिव के जीवनकाल पर होकर ही रहेंगे, क्योंकि दोस्तों किसी और ने नहीं बल्कि भगवान शनिदेव का यह संकेत है। तो दोस्तों, इन बातों को बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज ना करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आज का यह वीडियो संपूर्ण ग्रह गोचर पर आधारित आप सभी के जीवन काल के लिए बहुत ही बड़ा वरदान साबित होगा। तो दोस्तों, अंत तक देखिएगा, इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि आने वाले 7 दिनों के अंदर किस प्रकार आपको कौन से क्षेत्रों में लाभ मिलने वाले हैं, कौन कौन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना होंगे और प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान शनिदेव की असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों शुरुआत करते हैं गुरु जी के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से। जी दोस्तों, एक गुरु जी के एक भक्त अपने गुरु से यह प्रश्न करते हैं कि गुरु जी, अगर भगवान हर जगह है तो हम फिर मंदिर क्यों जाते हैं। तो दोस्तों, यह प्रश्न सुनकर कुटिया में स्थित सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सभी लोग कहने लगे, हे बालक, हे शिष्य, हे मित्र, ये तूने कैसा प्रश्न अपने गुरु से पूछ दिया। तो दोस्तों, वह समय गुरु ने वहां स्थित सभी लोगों को शांत करके अपने शिष्य को बहुत ही प्यारा जवाब दिया कि हे पुत्र, क्या तुम्हें गर्मी लगती है। तो बोलता है, हाँ। हे पुत्र, जब तुम्हें गर्मी लगती है तब तुम क्या करते हो। तो वह शिष्य बोलता है कि जब हमें गर्मी लगती है तो हम हवा लेते हैं। वह पूछते हैं, गुरुजी पूछते हैं कि हवा कहाँ लेते हो। तो शिष्य बोलते हैं कि पंखे के पास, कूलर के पास या फिर एसी के पास। तब फिर गुरु पूछते हैं कि पंखे के ही पास और कूलर के ही पास क्यों, हवा तो हर जगह महसूस है। तो वर्ष में उसका शिष्य यह जवाब देते हैं। तो शिष्य कहते हैं कि पंखे के पास हवा ज्यादा आती है, इसलिए हम वहाँ पर हवा लेते हैं। तो वह सुनकर गुरु जी उन्हें बताते हैं कि इसी प्रकार भगवान हर जगह है, परंतु मंदिरों में भगवान ज्यादा है, क्योंकि वहां पर सभी भक्तों की श्रद्धा जुड़ी होती है। इसलिए वहां पर कुछ ऐसी आत्माएं होती है जो कि हमारे मन के सभी चिंताओं को दूर कर देती है। भगवान की कुछ ऐसी शक्तियां वहां पर स्थित होती है जिनसे हमारे जीवन की चिंताएं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, गुरु जी का यह ज्ञान अगर आपको सच लगा हो, समझ में आई हो, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आए दोस्तों, सके साथ बात करते हैं कि आने वाले 7 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल पर भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से कौन कौन से बड़े चमत्कार होने वाले हैं। दोस्तों, आपका सोच समझकर निर्णय लेना और कोशिश करके अधिकतर काम स्वयं ही निपटाना आपको अवश्य ही अपने कार्यों में सफल करेगा।
कोई रुका हुआ पैसा टुकड़ों में मिलेगा, परंतु इससे आपकी आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर ही हो जाएगी। इसको प्रांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में सामाजिक क्रियाकलापों पर अवश्य ध्यान दें। ज़्यादा आत्मकेंद्रित होना भी मान हानि दे सकता है। कभी कभी किसी विषय पर गहराई से जानने की आवश्यकता होगी। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप कभी कभी किसी विषय को गहराई से जानने की आपकी इच्छा भी आपको अपने विशेष लक्ष्यों से भटका सकती है, तो दोस्तों यश में आपको इन सब चीज़ों को लेकर सावधान रहना चाहिए। इसको उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पैसे से संबंधित बातों पर यश में आपका अधिक ध्यान बना रहेगा। पैसे से संबंधित तकलीफें को दूर करने के लिए आपकी कोशिश इसमें जारी रहेगी और इनकी वजह से किसी बड़ी समस्या का समाधान भी यश में आपको प्राप्त हो सकता है। दोस्तों यश में आप पर बने हुए कर्जे को दूर करने की आपकी कोशिश जल्द ही सफलता में बदलने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि ग्रह गोचर आपके लिए उचित समय का निर्माण भी कर रहा है। आप अपनी सूझबूझ तथा बुद्धिमत्ता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को सफल आप कर पाएंगे। दोस्तों किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद भी यश में आपके लिए बहुत ही उत्तम शब्द होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में ध्यान रखें कि बच्चे का अपनी पढ़ाई से ध्यान भटक रहा है। मनोरंजन के साथ साथ उनकी पढ़ाई पर भी एकाग्रता रखना जरूरी होगा। दोस्तों यश में अपने गुस्से पर काबू रखें तथा गैर कानूनी कार्यों में ना उलझें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपके लिए मिला जुला ये जो समय है फल देने वाला समय होगा। दिन की शुरुआत में सफलता तो आपको मिलेगी, लेकिन दोपहर के बाद थोड़ी सी आपकी कठिनाइयां बढ़ सकती है, काम आपका बढ़ सकता है। आपका विश्वास बनाए रखने के लिए आपको परिवार का खास व्यक्ति या फिर भाई का बहन का पूरा सहयोग मिलेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपकी मेहनत और आत्मविश्वास की वजह से सफलता आपके नजदीक आएगी। हर बात को गहराई से समझना आपका विशेष गुण रहेगा। आय के उचित मार्ग भी यश में प्राप्त होंगे। कोई पैतृक संपत्ति संबंधी लाभ होने की भी योग बन रहे हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में बदलते परिवेश की वजह से आप जो भी प्लानिंग किए हैं वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। बीमा या फिर निवेश संबंधी कार्यों के लिए जो समय है अनुकूल समय होगा। घर में किसी प्रिय संबंधी का आगमन भी हो सकता है। दोस्तों आपसी मेल मिलाप आपको यश में खुशी देने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में अधिकतर समय घर से बाहर गतिविधियों में भी बीत सकता है, परंतु इसका कोई उचित परिणाम भी आपको हासिल नहीं होगा। इसलिए दोस्तों कोई भी नकारात्मक बात आपको व्यथित कर सकती है, इस बात पर ध्यान दें, जिसका असर आपके श्वास पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों इनको लेकर यश में आपको सचेत रहना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि सेहत की तरफ ध्यान देने की आपको आवश्यकता होगी। काम की बातें की वजह से आपकी भागदौड़ी बढ़ सकती है। परिवार से संबंधित जिम्मेदारी भी आपके ऊपर बढ़ सकती है दोस्तों, जिसकी वजह से आपको तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ बातों को पूरा करने के लिए किसी की मदद की जरूरत भी यश में आपको पड़ सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में खान पान से संबंधित व्यवसाय में धीरे धीरे सुधार आएगा। अपने काम की क्वालिटी पर और अधिक ध्यान देने की आपको जरूरत होगी। ऑफिस में भी काम की जो है बहुत अधिक अधिकता रहेगी। ओवर टाइम भी आपको यश में करना पड़ सकता है। दोस्तों यश में आपको बता दें कि नई नौकरी की तलाश करने वालों को सफलता प्राप्त हो सकती है और कहीं पर आपको एक अच्छा नौकरी मिल सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना आपको करना पड़ेगा। इसमें दोस्तों अपने कार्य करने की प्रणाली में कुछ परिवर्तन लाने की आपको जरूरत होगी। जल्दबाजी ना करके धैर्यपूर्ण कार्यों को संपन्न करें, दोस्तों ये आपके लिए उचित होंगे। यश में नौकरी में कोई प्रमोशन मिलने के भी योग बन रहे हैं। जो भी यश में नौकरी में जातक हैं उनके लिए समय चांदी ही चांदी रहने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में जीवन साथी के साथ संबंध आपका मधुर बना रहेगा तथा घर परिवार की जरूरतों पर भी आपको ध्यान देना आपके लिए यश में जरूरी होगा, तो इन पर जरूर ध्यान दें। इसके साथ दोस्तों आपको बता दें कि जाने अनजाने में पार्टनर के प्रति लापरवाह आप हो सकते हैं, तो दोस्तों यश में इन सब चीज़ों को लेकर आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपका प्यार यश में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।
इसके उपरांत दोस्तों अत्यधिक व्यस्तता के कारण परिवार पर आपका ध्यान नहीं होगा, जिसकी वजह से घर में अव्यवस्था भी रह सकती है। तो दोस्तों काम के साथ साथ आपको घर परिवार को भी समय देना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों ऐसे में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों ऐसे में पारिवारिक माहौल आपका खुशनुमा बना रहेगा। नई दिखी लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करना आपको तनाव मुक्त रखेगा। इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि जीवन साथी के साथ संबंध आपका मधुर बनाकर रखने में आपका योगदान जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में और अधिक इसमें मधुरता बढ़ने वाली है। इसके साथ दोस्तों ये समय अगर आपकी स्वास्थ्य यानी हेल्थ को लेकर बात करें तो दोस्तों ये समय अत्यधिक काम की वजह से मानसिक और शारीरिक थकान हो सकती है। कुछ समय हल्के फुल्के मनोरंजन में भी व्यतीत करें और मेडिटेशन में भी अवश्य ध्यान दें। दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर